फ्री में सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ करियर मेकर को और बगल में दबाए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको मिले मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने बताया था कि किसी भी आकृति में सरल रेखाओं की संख्या कैसे काउंट करनी है, उस पर हमने चर्चा किया था। आज जो है काउंटिंग ऑफ फिगर में किसी भी आकृति में आकृति की संख्या कितनी होगी, इसे हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें कि टोटल आकृति की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें टोटल आकृति तो एक है, तो यानी कि टोटल आकृति एक दिखाई दे रही है, मतलब एक बड़ी आकृति केवल है, तो यानी कि टोटल आकृति की संख्या एक हो जाएगी। अगर हम बोल दें कि इस आकृति में जब हम एक शीर्ष से आधार पर भुजा को मिला दिया है, तो इसमें टोटल आकृति की संख्या कितनी है, तो आप लोग इसे आसानी से काउंट कर सकते हैं कि 1, 2, एक छोटा वाला इधर, एक छोटा वाला इधर, और दोनों को मिला करके एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, जो कि बड़ा ट्रायंगल इसको 3 मान लेते, यानी कि 1, 2 और एक बड़ा वाला, टोटल आकृति कितनी है, तो 3 है। तो आप इसे सिंपली ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम रेखा की संख्या, ये बीच वाली रेखा की संख्या और बढ़ा दें, 1, 2 कर दे, तब कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल ये वाली 2 और 1 3, ठीक। अब 1, 2 को मिलाकर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यानी कि 4, और 3, 2 को मिलाकर के एक ट्रायंगल बना रहा है, यानी कि 5, और एक बड़ा ट्रायंगल है, तो टोटल ट्रायंगल कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ तक आपने सिंपली काउंट कर लिया। यदि इसके बाद यदि आपको और इसमें रेखा की संख्या बढ़ा दें, तब आप कैसे काउंट करेंगे, और इसमें क्षैतिज रेखा से भी बढ़ा दें, तब आप कैसे काउंट करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को किस वे में सिंपली रूप में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, वो ट्रिक शानदार से शानदार ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलेंगे। इसकी चैलेंज मेरी है, आप एक एक ट्रायंगल में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है, छोटे ट्रायंगल की संख्या कितनी है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फिर से ले लिए हैं, तो आइए अब देखते हैं इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में हमने बात कर लिए हैं कि टोटल ट्रायंगल की संख्या एक है, तो 1। अब आते हैं इसमें, तो 1, 2, 3, टोटल ट्रायंगल की संख्या 3, तो 3 और 1 ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 4, और ये दोनों मिलाकर के टोटल हो जाएगा 5, एक बड़ा वाला अगर और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 ट्रायंगल हो जाएगा। तो ऐसे काउंट नहीं करनी है, ऐसे काउंट करेंगे तो बड़ा बड़ा ट्रायंगल को काउंट करने में हम 5 बार 10 बार काउंट कर लेंगे, फिर से मिस हो जाएगा। तो इसलिए क्या कर लेंगे, तो 1, 2, 3 आ रहा है, सबको ऐड कर दीजिए, 1, 2, 3 जितना तक आ रहा है उस सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, 3, 3, 6। अतः इस आकृति में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, जो कि हमने मौखिक भी काउंटिंग किया है और ऐसे भी काउंटिंग कर लिया है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर के आकृति पर। इसमें भी हम क्या करेंगे, सामने से जितनी भी आकृति दिखाई दे रही है सबको क्या कर लेंगे, एक एक करके काउंटिंग कर लेंगे, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से काउंटिंग कर लिए, तो टोटल 1, 2, 3, 4 तक आ गए। अब इसमें टोटल आकृति की संख्या बारी बारी से हम काउंट करेंगे, फिर से ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 3, 3, 6, 4, 10। अतः इस ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 10 है, इस बड़े वाले को शामिल करके टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो अगर हम एक और बड़ा ट्रायंगल ले लें, जिसमें कि हम क्या कर लेते हैं, 4 अभी जो है ट्रायंगल बन रहा है छोटा छोटा, इसमें हम 5 कर लेते हैं, 1, 2, 3 और एक और बढ़ा देते हैं, यहाँ से भी एक और बढ़ा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रायंगल अब आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रायंगल आ रहा है। अब इसमें कैसे काउंट करेंगे, तो इसमें काउंट करने के लिए अब फिर से यही प्रोसेस को अपनाएंगे, यानी कि 1+2+3+4+5+6 सबको ऐड कर देना है, तो कितनी हो जाएगी,
तीन तीन छः चार दस पाँच पंद्रह पाँच बीस एक इक्कीस। अतः इस ट्रायंगल में यानी कि इस आकृति में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है तो 21 है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसे एक नज़र दोहरा करके देखिए तो ये जितनी ट्रायंगल हमको दिखाई दे रही थी उतनी को हमने तो ऐड कर लिया। इस प्रकार से 1 2 3 4 ये क्या है, गिनती की संख्या है यानी कि प्राकृत संख्या है। जब भी प्राकृत संख्याओं का योग आए तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। यानी कि ये n क्या है, अंदर की आकृतियों की संख्या यानी कि अंदर की ट्रायंगल की टोटल संख्या n। तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो n का मान कितना हो गया, ये महत्तम मान जो होगा ये हो जाएगा n का मान, ये हो जाएगा n का मान। तो टोटल ट्रायंगल की संख्या हम एक बार निकाल करके देख लेते हैं। इस पर n है कितना, 6 है, तो 6 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, बाय में हो जाएगा 2, तो 2 3 6 ये कितना हो जाएगा 21। अतः जो हमने जोड़ करके निकाला था अब वो हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक ना। तो अगर आ जाए कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से आधार को मिलाया जाए, किसी त्रिभुज के शीर्ष से आधार को मिलाया जाए तो टोटल अंदर के ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, हम काउंट कर लेंगे, उसको टोटल को ऐड कर देंगे। यानी कि अगर महत्तम संख्या 3 आ रही है तो n इंटू एन प्लस 1/2 पर हम आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है आपका, यदि किसी त्रिभुज को, यदि किसी ट्रायंगल को कोई क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन प्रतिच्छेद करे या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से दो भुजाएं को मिलाया जाए तो ट्रायंगल की संख्या यानी कि अंदर में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, सिंपली वे में इसको ऐड करके देखते हैं। तो इसमें अगर ऐड करके देखें तो एक ट्रायंगल ये छोटा वाला बन रहा है एक, और दूसरा ट्रायंगल एक बड़ा वाला बन रहा है। इसके अलावे भी कोई बन रहा है, तो इसके अलावे नहीं बन रहा है कोई, तो अतः टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है तो 2 है। तो इसमें आकर के देखते हैं, एक छोटा वाला उसके बाद इस आधार से एक बन रहा है, तो एक एक दो, एक यहाँ हो रहा है तो 2, और एक बड़ा ट्रायंगल जो कि नीचे वाले के आधार से बन रहा है तो तीसरा, यानी कि टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो रही है तो 3 हो रही है। अगर यहाँ इस आकृति में बात करें तो इस आधार से एक ट्रायंगल, इस आधार से भी एक ट्रायंगल, इस आधार से एक ट्रायंगल, यहाँ इस शीर्ष को मिलाएंगे, फिर इस आधार से जब इस शीर्ष को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल यहाँ भी बनेगा, तो टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक ना। तो इस तरह से हम अगर ध्यान से देखें यानी कि 2 बेस था तो इसलिए 2 ट्रायंगल, और यहाँ पर देखते हैं 1 बेस 2 3 3 ठो बेस था तो कितना ट्रायंगल बना, तो टोटल ट्रायंगल की संख्या 3। अतः इसमें 1 2 3 और 4 चार बेस हैं, इसलिए इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी तो 4 हो जाएगी। तो अतः इसमें पता चलता है कि अगर कोई भी बड़ा ट्रायंगल है इसमें जितनी क्षैतिज रेखाएं हो जाएगी, जितनी क्षैतिज रेखाएं हो जाएगी उतनी ट्रायंगल की संख्या हो जाएगी। अगर इस ट्रायंगल में बेस की संख्या n हो जाएगी तो ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में जब क्षैतिज रेखा और वर्टिकल लाइन हो या फिर डायगोनल लाइन हो एक साथ होगी तो उसमें ट्रायंगल की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए हमने फिर से कुछ आकृतियां ले ली हैं, इस आकृति में हमको टोटल ट्रायंगल की संख्या काउंट करनी है। तो चलिए हम फर्स्ट आकृति में आते हैं। तो इसमें अगर हम सिंपली वे में काउंट करें तो 1 2 1 2 1 2, तो आपको पता है जब एक खड़ी रेखा होती है, एक खड़ी रेखा होती है एक ट्रायंगल में, तो 1 2 जितनी छोटी त्रिभुज होती है उसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि तत्काल ये रेखा नहीं है, ये रेखा नहीं है, तो अभी इसमें कितना ट्रायंगल होंगे, 1 2 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल 3।
तो इस आधार पर टोटल कितना ट्रेंगल, एक तो बड़ा वाला, एक तो ये वाली और एक ये वाला, ठीक ना। तो टोटल कितना ट्रेंगल, तीन ट्रेंगल। अगर इस बीच में हम इसको फिर से मिला दें तो इस बेस से भी तो तीन ट्रेंगल बनेंगे ऊपर, तो वन टू, तो यानी कि इस यहाँ पर तीन ट्रेंगल और यहाँ पर तीन ट्रेंगल, टोटल कितना ट्रेंगल बन गए, छह ट्रेंगल बन गए, ठीक ना। तो इसमें आपको टोटल जो है एक बेस पर जितनी बनेगी उसी बेस पर उतना ही बनेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक बेस यहाँ है और एक बेस यहाँ है तो एक और एक ट्रायंगल यानी कि दो ट्रायंगल इसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, एक ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल इस बेस के साथ और छोटा वाला ट्रायंगल जो है ये वाला इस बेस के साथ वो बड़ा वाला में काउंटिंग हो चुका है, ठीक ना। तो इसलिए जब क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा, जब क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा एक साथ हो तो उसमें क्या करनी है, इस वाली आधार पर जो ट्रायंगल बनेगा उसको अलग से ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम काउंट करते हैं तो एक और दो, दो ट्रायंगल तो अंदर है और एक बाहर जो है जो कि इस आधार पर है, ये काउंट हो जाता है इसी के साथ, यानी कि वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो वन टू थ्री तो टोटल हो गए थ्री। तो अब इस बेस पर जो ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल है इसको अलग से फिर से काउंट नहीं करना है, नहीं तो चार ट्रायंगल हो जाएंगे जो कि गलत हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से तीन तीन छोटे ट्रायंगल हो गए, तो अब इस बेस पर और इस बेस पर बड़ा वाला ट्रायंगल फिर से काउंट नहीं करनी है। तो चलिए इसी टाइप के और नेक्स्ट आकृति पर आते हैं। तो इस बेस पर टोटल कितनी आकृति है, तो वन टू थ्री, जो कि अंदर वाले त्रिभुज है तीन। अब सबको ऐड कर देंगे तो इस बेस पर टोटल कितनी ट्रायंगल है वो मिल जाएगा, तो तीन तीन छह ट्रायंगल ये हो गया, और इस बेस पर भी तो छह ट्रायंगल बनेंगे ना, तो यानी कि छह छह टोटल कितनी ट्रायंगल हो जाएंगे, बारह। टोटल कितना ट्रायंगल, बारह ट्रायंगल। चलिए इसमें नहीं समझे हैं, इस आकृति में आते हैं फिर से, यानी कि अभी हम तत्काल क्या कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक ना। तो अब आ जाते हैं इसमें काउंट करेंगे, तो अब इसमें काउंट करेंगे वन टू थ्री, जो कि सामने से हमको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वन टू थ्री, थ्री ट्रायंगल तो है। तो अब जब थ्री ट्रायंगल है तो टोटल ट्रायंगल इसमें कितना होगा, तो क्या करते हैं हम सबको ऐड कर देते हैं, इसको इसमें ऐड, इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी कि वन टू थ्री, तो कितना हो जाएगा, तीन तीन छह ट्रायंगल हो गया। इस बेस पर कितना ट्रायंगल, छह ट्रायंगल। अगर हम यहां से मिला देते हैं तो इसको अगर हम ढक ले तो फिर से तो वन टू थ्री छह ट्रायंगल बनेंगे, अगर एक और बेस दे दें यहां से तो वन टू थ्री फिर से छह ट्रायंगल बनेंगे, इस तरह से छह छह छह, तो छह तिया कितना हो जाएगा, अठारह ट्रायंगल बनेंगे। तो इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या 18 हो जाएगी। तो चलिए इसी टाइप के और आकृति में काउंट करते हैं कि ट्रायंगल की संख्या कितनी है। आते हैं नेक्स्ट आकृति पर और इस आकृति में काउंट करते हैं कि ट्रायंगल की संख्या कितनी है। तो फिर से वही रूल लगाएंगे, जितने सामने में ट्रायंगल दिखाई दे रही है प्रत्येक बेस पर क्या कर लेंगे, उतनी ट्रायंगल को चिन्हित कर लेते हैं। तो इस बेस पर आते हैं नीचे वाले बेस पर, तो वन टू थ्री फोर, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ से एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल और चौथा ट्रायंगल, हमने सबको क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है। तो चार तक आया है, तो तीन एक दो तीन, तीन छः, छः चार दस, यानी कि इस बेस पर अगर ये लाइन नहीं हो तो कितना ट्रायंगल बनेंगे, दस ट्रायंगल, ठीक। तो अब इसको फिर से ढक लेते हैं, तो वन टू थ्री फोर, तो अब इस बेस पर भी टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, दस ट्रायंगल बनेंगे, कैसे, एक दो तीन, तीन तीन छः, छः चार दस, यानी कि इस बेस पर दस ट्रायंगल और इस बेस पर दस ट्रायंगल, फिर से एक इस बेस को एक इस बेस को अलग से काउंट नहीं करना है, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल इसी के साथ क्या हो गया है, काउंटिंग हो गया है। तो यानी कि इस बेस पर दस ट्रायंगल, इस बेस पर दस ट्रायंगल बनेंगे, यानी कि टोटल ट्रायंगल की संख्या बीस हो जाएगी। तो चलिए इसी तरह से फिर नेक्स्ट आकृति में काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम काउंटिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, और ऊपर से नीचे भी काउंट कर लेते हैं,
वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि एक बेस, दो बेस, तीन बेस, चार बेस, पांच बेस, पांच बेस हैं, यानी कि एक बेस पर कितना ट्रायंगल बनेंगे पहले ये तो आप काउंट कर लीजिए। तो दो एक तीन, तीन छः, चार दस, पाँच पंद्रह, इस बेस पर पंद्रह ट्रायंगल बनेंगे, इस बेस पर भी पंद्रह ट्रायंगल, इस बेस पर पंद्रह, 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 यानी कि बेस कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव, कितना बेस है, टोटल फाइव बेस है, यानी कि फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल कितना, पचहत्तर ट्रायंगल बनेंगे, यानी कि 75 ट्रायंगल्स बनेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि n का मान 5 है तो 5 इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, तो 5 इंटू 5 प्लस वन यानी कि 6, बाय में हो जाएगा 2, और देखिए 5 थ्री जा, ये 5 थ्री जा कितना 15, यानी कि 15 ट्रायंगल जो है एक बेस पर, तो 5 बेस पर कितने 15, 5 जा 75 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो चलिए इसी टाइप के और आकृति को देख लेते। तो चलिए आपका नेक्स्ट टाइप है, यदि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो, यानी कि त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज हो, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल आसान है, आप एक बार इसे ध्यान से देखिए जो हम बता रहे हैं, ये जो है प्रोसेस आपको हमेशा जो है काम आएगा। तो आप क्या कीजिए, मेरे साथ नज़र मिला लीजिए, मेरे साथ नज़र मिलाइए और देखिए कि हम कैसे कैसे काउंट करते हैं। तो पहले इसमें जितना ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं सबको बारी बारी से काउंट कर लेंगे। वन टू थ्री फोर, हमको इस ट्रायंगल में चार ट्रायंगल दिखाई दे रहा था, वन टू थ्री फोर, हमने क्या किया, सभी को काउंट कर लिया, सभी को क्या कर लिया, हमने काउंट कर लिया। तो टोटल अंदर कितना है, चार ट्रायंगल, यानी कि इस बड़े ट्रायंगल के अंदर कितना ट्रायंगल है, तो चार ट्रायंगल, तो अंदर कितना हुआ, चार। अब देखिए, अब इसके अलावे भी कोई ट्रायंगल है, जी हाँ है, कैसे, तो इस चारों ट्रायंगल के बाहर से देखिए एक ट्रायंगल है, जो कि बड़ा ट्रायंगल के अंदर ये चारों ट्रायंगल है, तो यानी कि बाहर कितना ट्रायंगल हो गया, बाहर हो गया एक ट्रायंगल, तो टोटल कितना ट्रायंगल, पांच ट्रायंगल हो गया इस आकृति के अंदर। फिर से आप काउंट कीजिए, कहीं मिस तो नहीं किए हैं, वन टू थ्री फोर, फोर ट्रायंगल तो अंदर था। अब देखिए, एक बड़ा आकृति मात्र बन रहा है बाहर से, इसके अलावे इसमें कोई और ट्रायंगल भी बन रहा है, जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं, यानी कि इसके अलावे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। इसका मतलब हुआ जितनी अंदर ट्रायंगल होंगे इस टाइप में, त्रिभुज के अंदर वाली त्रिभुज, यानी त्रिभुज के अंदर जब त्रिभुज होगी तो टोटल अंदर वाली त्रिभुज को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, और एक बाहर से क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना ट्रायंगल हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। चलिए इसी टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इस ट्रायंगल में पहले ध्यान से देखेंगे कि कितने ट्रायंगल हैं। इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जब एक ट्रायंगल था तो चार अंदर बना। अब देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर दो छोटा वाला ट्रायंगल है, इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर एक, देखिए ये ट्रायंगल है और इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है, तो टोटल ट्रायंगल कितना हो गया, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, उसके अंदर एक ट्रायंगल, यानी कि बड़े के अंदर दो ट्रायंगल हो गए, दो ट्रायंगल होंगे, तो यानी कि बड़े के अंदर जो एक ट्रायंगल है, तो वन टू थ्री और ये वाली एक ट्रायंगल कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो चार तो ये हो गया। अब इस सेकेंड वाला ट्रायंगल जो है और थर्ड वाला इसके अंदर है, तो इसमें भी तो चार बनेंगे, वन टू थ्री फोर, और ये बड़ा वाला तो बड़ा वाला के लिए है चार, यानी कि चार चार आठ ट्रायंगल बन गए, आठ ट्रायंगल अंदर, तो अंदर कितने हो गए, अंदर हो गए चार प्लस चार, आठ ट्रायंगल, और बाहर से एक ट्रायंगल, बाहर कितना एक ट्रायंगल, तो टोटल कितना हो गए, नाइन, यानी कि नौ ट्रायंगल हो गए। फिर से आप इसे नजर से दोहरा करके देखिए, जितने अंदर ट्रायंगल हैं, जितने अंदर ट्रायंगल हैं सबको बारी से काउंट कर लेंगे। अभी मान लिए कि ये वाला ट्रायंगल अभी क्या है, नहीं है, ये वाला ट्रायंगल अभी क्या है, नहीं है, चलिए तो वन टू थ्री फोर ट्रायंगल हो गए, चार ट्रायंगल, अब इस चार को हटा देते हैं तत्काल। अब इस ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल डाल दिए,
तो 1, 2, 3 और ये वाला एक छोटा ट्रेंगल जो कि बीच में है, यानी कि चार ट्रेंगल इसके अंदर, तो चार चार कितने हो गए, आठ ट्रेंगल अंदर और एक बाहर से, कितने हो गए बाहर से एक ट्रेंगल, यानी कि 9 ट्रेंगल हो गए। तो चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को लेकर के देखते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट आकृति हम ले चुके हैं, अब हो जाइए आप तैयार। नेक्स्ट आकृति हम ले चुके हैं, अब हो जाइए आप तैयार, फिर से नंबर लगाइए और टोटल काउंट कीजिए अपना ट्रेंगल। तो चलिए हम क्या कर लेंगे, फिर से सेम आकृति है, अब इसमें पहले ध्यान से देखिए कि इस बड़े ट्रेंगल के अंदर एक ये वाला ट्रेंगल है, इस बड़े ट्रेंगल के अंदर एक ये वाला ट्रेंगल है, उसके बाद ये वाला ट्रेंगल है, उसके बाद ये ट्रेंगल है, तो टोटल कितने हैं, बड़े ट्रेंगल के अंदर 3 ट्रेंगल हैं, बड़े ट्रेंगल के अंदर 3 ट्रेंगल हैं, तो बड़े ट्रेंगल के अंदर 4, यानी कि 4 यहाँ बनेंगे, 4 इसके अंदर बनेंगे और 4 जो है यहाँ बन जाएंगे, यानी कि टोटल 4 4 4 4 करके कितना हो जाएंगे, 12 ट्रेंगल अंदर हो जाएंगे और एक बाहर से, तो टोटल कितना ट्रेंगल, 13 ट्रेंगल, टोटल कितना 13 ट्रेंगल हो जाएंगे। एक बार फिर से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4 ये तो बड़ा ट्रेंगल के अंदर, इसी तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह से बड़ा ट्रेंगल, फिर से इसको इसके अंदर है ना, फिर से काउंट कीजिए, तो 4 फिर से बनेंगे, तो इसका मतलब अंदर में जितना ट्रेंगल होंगे उतने 4 4 ट्रेंगल बनेंगे, प्लस में क्या करना है, एक बड़ा ट्रेंगल को ऐड करना है लास्ट में, टोटल कितना हो जाएगा, 13। याद नहीं हुआ तो चलिए एक इसका टिप्स भी यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अंदर कितने ट्रेंगल है उसको n मान लीजिए, अंदर है 3 ट्रेंगल तो n का मान कितना, 3 हो गया। अंदर कितने ट्रेंगल, इसके अंदर 3 ट्रेंगल है तो टोटल n का मान 3, तो टोटल ट्रेंगल की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ लिख लीजिए 4n+1, 4n+1 हो जाएगी टोटल ट्रेंगल की संख्या। तो टोटल n का मान कितना है, 3 है, तो 4 3 12 हो जाएगा प्लस 1, तो 12 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो आप इसका यूज करके भी निकाल सकते हैं, केवल आपको एक बार ध्यान में रख लेनी है कि ट्रेंगल के अंदर जब भी ट्रेंगल होगा तो 4 ट्रेंगल बनेंगे, अब कितने ट्रेंगल है अंदर में, तो एक बाहर को छोड़ करके अंदर में कितने ट्रेंगल है, तो 3 ट्रेंगल है, तो 3 ट्रेंगल है तो 4 3 कितने हो जाएंगे, 12 ट्रेंगल, तो ये हो गया अंदर वाली और एक हो जाएगा बाहर से, तो टोटल कितना, 13 ट्रेंगल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। तो चलिए फिर से हमने नेक्स्ट आकृति ले ली है, इस आकृति में ट्रेंगल की संख्या कितनी होगी वो हमको फाइंड करना है। तो ये भी जो है ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल है, यानी कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, इसमें भी क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको काउंट करना है कि ट्रेंगल के अंदर कितने ट्रेंगल हैं। तो एक बड़ा वाला ट्रेंगल ये जो दिखाई दे रहे हैं, बड़ा वाला ट्रेंगल, एक ये बड़ा वाला ट्रेंगल है, इस बड़ा वाला ट्रेंगल के अंदर मात्र एक ट्रेंगल है, तो एक ट्रेंगल है तो कितना बनेंगे, 4 अंदर बनेंगे, अंदर कितने बनेंगे, अंदर बन जाएंगे 4 ट्रेंगल। अब देखिए 4 ट्रेंगल अंदर है और एक बाहर से बनेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक बनेंगे बाहर से, यानी कि एक ट्रेंगल बाहर से, तो टोटल 5 ट्रेंगल। क्या और भी बनेंगे, जी हाँ और ही बनेंगे, कैसे, तो देखिए ये जो है इस पर, इस छोटे ट्रेंगल पर, इस ट्रेंगल छोटे ट्रेंगल पर क्या है, ये लंब जैसे हैं, तो लंब जैसे हैं, तो 1 2 एक तो ये ट्रेंगल और एक तो ये ट्रेंगल, और इस टोटल ट्रेंगल को अंदर ही गिनती कर चुके हैं, इस चार में, इस चार वाला में इसको हम क्या कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं। तो यानी कि इस फिर से इस बड़ा वाला ट्रेंगल को काउंट नहीं करेंगे, 1 2 इस शीर्ष पर क्या बनेंगे, दो ट्रेंगल, एक तो यह एक यह, फिर से इस शीर्ष पर एक यह और एक यह, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, तो एक ये वाले ट्रेंगल, यानी कि एक ये वाले ट्रेंगल और दूसरा हो जाएगा ये वाले ट्रेंगल, यानी कि 1 2 1 2 1 2 टोटल कितना, 2 2 4 6 ट्रेंगल जो है और बन जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 11 ट्रेंगल हो जाएंगे। फिर से एक बार नजर दोहरा लेते हैं,
टोटल त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो अंदर कितने बनेंगे, चार त्रिभुज। अंदर कितने, चार त्रिभुज। अब देखिए चार एक बाहर वाला तो टोटल कितने होंगे, पांच। इसके अलावे ये जो शीर्ष जो मिल रही है इस ट्रायंगल पर, जो ये जो शीर्ष की तरह लंब की तरह है, तो ये भी तो दो ट्रायंगल बना देंगे, एक बड़ा वाला तो अंदर वाले के साथ काउंट कर लिए हैं, तो बच जाएंगे एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो इसी तरह से इस लंब के लिए भी दो ट्रायंगल हो जाएंगे, एक यह एक यह, इस यहाँ से भी दो ट्रायंगल हो जाएंगे, तो दो या छह ट्रायंगल ये हो जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे टोटल, पांच छह ग्यारह ट्रायंगल हो जाएंगे। इसी टाइप से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम टू सेम है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, टोटल ट्रायंगल के अंदर कितनी ट्रायंगल है वो आपको फाइंड करनी है। तो यानी कि एक बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला के अंदर देखिए एक ट्रायंगल यह है, उसके बाद भी एक ट्रायंगल यह है, तो टोटल कितने होंगे, अंदर में दो ट्रायंगल होंगे, तो कितना बन जाएंगे, दो ट्रायंगल, एक में चार दूसरे में चार, टोटल हो जाएंगे आठ ट्रायंगल। और एक बाहर वाला ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, प्लस एक, नौ ट्रायंगल। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है फिर से, ये जो ट्रायंगल है फिर से इस पर क्या किया गया है, लंब की तरह डाला गया है, तो यह भी क्या कर देंगे, दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। फिर से इस ट्रायंगल में देखिए, ध्यान से देखिए कि इस ट्रायंगल में फिर से क्या कर रहा है, लंब की तरह ये जो है डाला गया है, तो यह भी एक ट्रायंगल बनाएंगे। उसी तरह इस शीर्ष से ये जो लंब डाला गया है, यह भी क्या करेंगे, दो ट्रायंगल बनाएंगे, तो फिर से छह ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः हो जाएंगे, तो प्लस छः, तो कितने हो जाएंगे, आठ एक नौ, नौ छः पंद्रह, यानी कि टोटल 15 ट्रायंगल फिर से बन जाएंगे। यानी कि इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या 11 और इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या 15 हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका नेक्स्ट आकृति है कि इस ट्रायंगल में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होंगी, टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से वही काम, यानी कि ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल है सबसे पहले आप उसको काउंट कर लीजिए। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल ये वाली शीर्ष से, एक ट्रायंगल ये वाली, दो बड़े वाले के अंदर एक तो यह भुजा वाली, एक यह भुजा वाली, दो और एक यह भुजा वाली, टोटल तीन ट्रायंगल हैं, यानी कि चार तिया बारह, यानी कि टोटल ट्रायंगल बारह हो गए। अभी ये तो केवल अंदर अंदर गिनती किए हैं, बारह हो गए हैं। अब देखिए फिर से जो है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखिए शीर्ष से इस बेस पर क्या किया गया है, लंब की तरह डाला गया है, तो यह भी क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल को फिर से यह बांट रहा है, तो वन टू वन टू, तो टोटल तीन ट्रायंगल, लेकिन ये वाली ट्रायंगल अंदर इस चार वाली जब गिनती किए थे चार चार करके, तो उसके साथ आ चुका है, तो बड़ा वाला को छोड़ करके एक और दो, एक दो एक दो एक दो, दो तिया कितने हो जाएंगे, छः, यानी कि छः ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, फिर से बन जाएंगे शीर्ष वाले और अंदर में बारह ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये जो बाहर है एक हो जाएंगे बारह वाला ट्रायंगल, तो कितने हो जाएंगे, बारह छः अठारह एक उन्नीस ट्रायंगल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए एक लास्ट टाइप को देख लेते हैं जो कि आपको सममित आकृति वाली है, किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आज का ये ट्रायंगल वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर से तैयार करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट टाइप है सममित आकृति, सममित आकृति या त्रिभुज। जब भी आकृति क्या हो, सममित हो, यानी कि जब भी त्रिभुज क्या हो, सममित हो, तो उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। सममित मीन्स हो गया, यानी कि देखिए वन टू थ्री, यानी कि जिस भुजा से भी बात करें हम त्रिभुज की, जिस किसी भुजा से भी बात करें हम, तो तीनों तरफ से त्रिभुजों की संख्या उस भुजा पर समान होनी चाहिए, तो वो हो जाती है क्या, सममित। यानी कि इस भुजा पर एक ट्रायंगल यह, दूसरा यह, और इसी भुजा पर एक ट्रायंगल यह, तीन बन रहा है, तो टोटल ट्रायंगल तीन बन रहा है। इस तरह इधर से भी हम गिनती कर लेते हैं, इधर से भी हम गिनती कर लेते हैं, तो एक दो और तीन, यानी कि इस भुजा पर भी कितनी त्रिभुज बन रही है, तीन त्रिभुज। अब नीचे भी देख लेते हैं,
एक तो यह त्रिभुज, दूसरा यह त्रिभुज और तीसरा यह त्रिभुज, यानी कि नीचे से भी तीन त्रिभुज बन रही है, यानी कि आधार वाली भुजा पर भी तीन त्रिभुज बन रही है। तो यह हो जाएगी 3/3/3, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 3/3/3 का ऑर्डर। यानी कि जब भी समान ऑर्डर यानी कि समान त्रिभुज अगर बने तीनों भुजा पर, इसे सममित आकृति बोलेंगे। जब भी सममित आकृति वाली आकृति में त्रिभुज की संख्या पूछे तो आपको सीधा सा इसका काउंट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट काउंट कीजिए तो भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम सीधा सा अगर करें तो छोटा सा वाला त्रिभुज है तो उसमें तो काउंट कर लेंगे, लेकिन जब बड़ा वाला आ जाएगा तब कैसे करेंगे, जब इससे भी बड़ा आ जाए तब कैसे करेंगे, तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए क्या करनी है, तो टोटल 1, 2, 3 बन रही है, 3/3 का ऑर्डर है। तो सीधा सा आप हम इस साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 तक आप सजा लीजिए, 1, 2, 3 तक सजा लीजिए। 1 को यहाँ पर ले आइए, इस 1 को यहाँ पर ले आइए, तो कितने 1, यहाँ पर जो 1 लाए हैं तो 1 में एक बार क्या कीजिए, 3, इस 2 को 1 में क्या कीजिए, इस 2 को ऐड कीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 1+2 कितने हो जाएंगे, 3, 3 हो गए। तो 3 को आप फिर से यहाँ लिख लीजिए। अब ये जो 3 आया है, यानी कि 1 को यहाँ लिखे तो 1+2 कितना, 3, 3 को फिर यहाँ लिखे, आप 3 में क्या कीजिए, अब फिर से इसको ऐड कीजिए, तो 3, 3 कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 को यहाँ लिख लीजिए, तो 6 हो गया। तो अब क्या कीजिए, अब टोटल 1, 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, यानी कि 10 हो जाएंगे, 10 हो गया। अब क्या कीजिए, नीचे वाले को छोड़ दीजिए और सबसे ऊपर वाले को भी छोड़ दीजिए, और ये बीच वाला को क्या कीजिए, काउंट कर लीजिए, यानी कि 10, 3 कितने हो जाएंगे, टोटल 13 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 13 है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 13, यानी कि 13 है। तो इस तरह से इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं। अगर बारी बारी से काउंटिंग कीजिए तो दिमाग का तो कच्चमर बन ही जाएगा, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए, इस टिप्स का यूज करके इसको भी आप निकालिए। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो पहले एक, तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, सममित आकृति है या नहीं है। तो सममित आकृति की पता करने के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल इधर भी बन रहे हैं। अब इस भुजा पर भी देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 यानी कि चार ट्रायंगल सबसे बन रहे हैं, यानी कि इसकी ऑर्डर हो जाएगी 4, 4, 4 का ऑर्डर हो गया। तो यानी कि ये क्या है, सममित आकृति है। सममित आकृति जब भी हो तो आप क्या कीजिए, तो आप इस टिप्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से इसी टिप्स का यूज करके इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं उसको फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर आया 4/4 का, तो 1, 2, 3, 4 तक आप काउंट कर लीजिए, ठीक। तो 1 को क्या कीजिए, बढ़ा करके लिखिए, 1 हो गया। फिर 1 में क्या कीजिए, इस 2 को ऐड कीजिए तो कितने हो जाएंगे, 3। फिर इस 3 को ऐड कीजिए, कितने हो जाएंगे ये जो है कोना कोना ऐड करना है, ऐड करके जो भी वैल्यू होगा उसको तीर से आगे बढ़ाना है, यानी कि 1, 2, 3, 3 हो गया, 3, 3, 6, 6 को यहाँ लिखिए, 6 में फिर से 4 को ऐड कीजिए, कितने हो जाएंगे, 10, 10 को आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक, 10 तक आप यहाँ लिख दिए। अब टोटल को क्या करनी है, ऐड कर देनी है। तो 1, 3 कितने हो जाएंगे, 4, 4, 6, 10, 10, 10, 20, यानी कि 20 आ गए हैं। अब हम यहाँ क्या किए थे, नीचे वाले से स्टार्ट किए थे, नीचे वाले को छोड़े, फिर लिए, फिर छोड़े, और फिर आगे आता तो फिर से लेते, तो यही प्रोसेस फिर से यहाँ करना है। यानी कि इस 10 को छोड़ देंगे, 10 को छोड़ देंगे, 6 को लेंगे, फिर 3 को छोड़ देंगे, फिर 1 को लेंगे, तो 1 को लिए, 6 को लिए, तो 6, 1 कितना हो जाएंगे, 7, 7 हो गए। और 20 में 7 को ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, यह 27। इसका मतलब इस ट्रायंगल में यानी कि चार त्रिभुज वाली जब सममित आकृति आएगी तो उसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो चलिए हम एक ऑर्डर भी बना सकते हैं यहाँ पर।
आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जब त्रिभुजों की संख्या सममित आकृति वाले में तीन हो, यानी कि भुजा की संख्या n हो, जब सममित वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या तीन हो तो ट्रायंगल, टोटल ट्रायंगल की संख्या 13। अगर किसी बेस पर यानी कि सममित आकृति वाले में चार ट्रायंगल्स बन रही हो तीनों तरफ से, तो यदि त्रिभुजों की संख्या चार हो तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 27। तो यहाँ 27 लिख लीजिए। अगर पाँच रहेगा तो उसके लिए भी हम निकाल लेते हैं, चलिए पाँच वाला भी देख लेते हैं, अगर नहीं समझे हैं तो उसमें अच्छी तरीके से समझ जानी है और इसको टोटल को याद ही कर जानी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट आकृति ले चुके हैं, नेक्स्ट आकृति में फिर से क्या करेंगे हम, टोटल सममित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है वो निकालेंगे, यानी कि किसी भी बेस से, किसी भी बेस से त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, तो वो हो जाएगी सममित आकृति। तो सममित आकृति के लिए इसमें देख लेते हैं कितने त्रिभुज बन रही है। तो इस बेस से 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ट्रायंगल इधर से बन रही है, 1 2 3 4 5 6 6 ट्रायंगल इधर से बन रही है। इस बेस पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ट्रायंगल इधर से बन रही है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, 6 by 6 by 6 का क्या है, ऑर्डर है। जब 6 by 6 by 6 का ऑर्डर हो, जब 6 by 6 का क्या हो जाए, ऑर्डर हो जाए, तो यानी कि ये क्या है, सममित आकृति है। अब आते हैं वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 तक हमने लिख लिए हैं। अब इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी वो आप फाइंड कीजिए। तो 1 को बढ़ा करके यहाँ लिखिए 1, फिर 1 में क्या करना है, 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएंगे, 3 में फिर 3 ऐड कीजिए कितना हो जाएंगे, 6 में 4 ऐड कीजिए हो जाएगा 10 में 5 ऐड कीजिए हो जाएगा 15। उसी तरह से 15 में क्या करेंगे, फिर से 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो गया। अब क्या करना है, अगला प्रोसेस में सबको ऐड कर देनी है, क्या करना है, सबको ऐड कर देनी है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, आगे क्या करनी है, ऐड कर देनी। फिर से एक बार ध्यान में रखिए, टोटल सममित आकृति है या नहीं जांच कर लेंगे। सममित आकृति के लिए कंडीशन बताए कि किसी भी भुजा से बने त्रिभुजों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यानी कि 6 ट्रायंगल इस भुजा पर बन रही है, 1 2 3 4 5 6 इधर से भी 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल इधर से भी बन रहा है, और नीचे से भी कितना, 6 ट्रायंगल, यानी कि यह क्या है, 6 by 6 by 6 का क्या है, सममित आकृति है, त्रिभुज है। तो सबको क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 6 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 तक क्या कर लेंगे, सजा लेंगे। जब हम सजा लेते हैं सबको क्या कर लेंगे, शुरू से बढ़ाएंगे और ऐड करेंगे, बढ़ाएंगे ऐड करेंगे, बढ़ाएंगे ऐड करेंगे, इस तरह से, यानी कि 1 को बढ़ाए 1 में क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, फिर से बढ़ाएंगे, तो 1 2 कितना हो जाएंगे, 3 को बढ़ाए 3 में फिर से 3 को ऐड करना है कितना हो जाएंगे, 6, फिर 6 को 4 से ऐड करेंगे कितना हो जाएंगे, 10 को फिर से बढ़ाइए, इस तरह से यहाँ हो जाएगा 21 हो गया। अब क्या करना है, सबको ऐड कर देनी है, सबको क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। तो ये हो जाएगा 1 3 4 4 6 10 10 20 20 10 30 5 35 35 20 कितना हो जाएगा, 35 20 55 55 1 56 यानी कि ये हो गया कितना, 56। जब 56 हो गया, अब अगला प्रोसेस क्या करना है, ये जो है, अब ऐसा है नहीं कि 56 आया 56 तक ही छोड़ देना है, इस तरह से हम निकाल करके रखे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 यानी कि सममित आकृति 5 तक पूछती है, हम क्या कर रहे हैं, 6 वाला निकाल रहे हैं, क्योंकि 6 में कितना बनेगा, 78 बनेगा, और 5 वाला में 48 बनते हैं, इसमें 78 बनेंगे। तो चलिए अभी 56 ही बना है, अब क्या करना है, नीचे वाले को छोड़िए, बीच वाले को लीजिए, फिर से छोड़िए, फिर से लीजिए, फिर से छोड़िए इसको, फिर से इसको लीजिए, अब जिसको जिसको लिए हैं उसको उसको ऐड कीजिए। तो यानी कि
एक छः कितना हो जाएगा सात, सात में पंद्रह ऐड कीजिए कितना हो जाएंगे सात पाँच बारह यानी कि बाईस, और बाईस को क्या करना है इसमें ऐड कर देनी है, तो ये हो जाएगा छः दो आठ पाँच दो सात। इस तरह से छः वाली त्रिभुज यानी कि जब सममित आकृति छः बाय छः बाय छः का हो तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी अठहत्तर हो जाएगी। और पाँच वाला आप निकालिए और कमेंट करके बताइए कि अड़तालीस आता है या नहीं, यानी कि पाँच वाली आकृति आपको खुद निकालनी है। यहाँ से हम होमवर्क में दे रहे हैं आपको, पाँच वाली आकृति आप खुद से निकालिए, पाँच बाय पाँच बाय पाँच का आप ट्रायंगल बनाइए, उसमें आप क्या कीजिए टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी वो फाइंड करके आप जो है निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 48 आ चुका है, तब तो समझेंगे कि आप रिवीजन किए हैं बनाए हैं शुरू से अंत तक देखे हैं तभी जो आपको समझ में आया है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आप वीडियो को भगा भगा करके देख तो लिए हैं लेकिन समझ में नहीं आया, तो इसलिए पूरे को देखिए एक एक करके देखिए, वीडियो को मिस करके देखिएगा तो ये आंसर आपको नहीं मिलेगा और पांच वाला आंसर 48 आता है ये निकाल करके बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आपका जो है पार्ट थर्ड में होगा, पार्ट थर्ड में यानी कि रेक्टेंगुलर स्क्वायर उसके अंदर टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी उसको इसी आसान तरीका से निकालने के लिए बताएंगे, और इस टेबल को आप याद कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।